मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है, केजरीवाल ने कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ महिलाओं की टिकट फ्री कर रखी है बस। ताली बजा, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, श्री मोदी आएगा। राहुल गांधी को देखती है क्या आप विकल्प? राहुल गांधी को ऐसा विकल्प देखते हैं? नहीं जानती मैं राहुल, मैं मोदी आना चाहिए बस, मोदी को जानती हूँ। मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल मोदी जी। क्या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? कोई भी चेहरा नहीं है, दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। कोई गठबंधन बन रहा, सारा विपक्ष एक साथ आ गया है, सब कीचड़ कर रहे हैं और कमल ही खिलना है, सब कीचड़ कर रहे हैं। ये महागठबंधन है भाई, ये 32 जो चोर है ना, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा इनसे। इनका मुख्यमंत्री भी है जिनको आप चोर, जिनको मुख्यमंत्री हैं जितने भी है ना, ये नीतीश कुमार जो सबके राजा बन रहे हैं, सबसे पहले इनका नाम तो पलटू चाचा है भाई, सबसे बड़े थे पलटू चाचा है। दिल्ली में चोरी बहुत होती है, ठीक है, केजरीवाल कुछ अच्छा नहीं करता, मेरे नजरों में कुछ केजरीवाल अच्छा नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए। क्यों? बिजली का बिल श्री मकान मालिकों को फ्री है, किराएदार बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी फ्री नहीं है, किराएदार भर रहे हैं। केजरीवाल ने श्री मकान मालिक के लिए फ्री कर रखा है। हम अमीर को गरीब नहीं दे रहा, गरीब को अमीर बना रहा है। हम जैसे को हम क्या जाएंगे, हम जैसे को भी तो देखो। छह कह रहे मोदी जी अनपढ़ हैं, गवार हैं, शिक्षित नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT पढ़ कर आया। हाँ हाँ, मोदी ने जितना हमारे लिए किया है ना, उतना केजरीवाल ने नहीं किया। मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है, केजरीवाल ने कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ महिलाओं की टिकट फ्री कर रखी है बस। दिल्ली में जितनी चोरी होती है ना, उतनी कहीं और नहीं होती। बेटा खुलेआम बोल रही हूँ, ड्रामा करके जाऊंगी। ताली बजा, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, श्री मोदी आएगा। राहुल गांधी को देखती है क्या आप विकल्प? राहुल गांधी को ऐसा विकल्प देखते हैं? नहीं जानती मैं राहुल, मैं मोदी आना चाहिए बस, मोदी को जानती हूँ। मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल मोदी जी। क्या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? कोई भी चेहरा नहीं है, दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। कोई गठबंधन बन रहा, सारा विपक्ष एक साथ आ गया है, सब कीचड़ कर रहे हैं और कमल ही खिलना है, सब कीचड़ कर रहे हैं और कमल खिलेगा, बात ये होना और कुछ नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? भाई अनुज। क्या लग रहा है फिर इस बार प्रधानमंत्री पद के चुनाव में कौन बाजी मारेगा? लग क्या रहा है भाई, चुनाव तो क्लियर है भाई। हम तो 2024 छोड़े, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी पक्के हैं, 29 में पक्के हैं, 24 तो जीत जाइए, 24 जीत जाएंगे फिर योगी जी आएंगे। अच्छा, अब श्योरिटी क्यों? महागठबंधन को देख के कोई डर नहीं है मन में? ये महागठबंधन है भाई, ये 32 जो चोर है ना, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा इनसे। इनका मुख्यमंत्री भी है जिनको आप चोर, जिनको मुख्यमंत्री हैं जितने भी है ना, ये नीतीश कुमार जो सबके राजा बन रहे हैं, सबसे पहले इनका नाम तो पलटू चाचा है भाई, सबसे बड़े थे पलटू चाचा हैं। इनसे ये अपने बिहार में सरकार चलाने चले थे 47 विधायक खुद है कि यहाँ से भाई तू आ जा तो मैं तेरे गठबंधन कर लूँ, तू आ जा तू गठबंधन कर लूँ तो सरकार बन रही है इनकी। नहीं, 47 विधायक कोई कम नहीं होते, अपने लेके बैठे हुए हैं ये हैं। और इतना बड़ा घोटाला भाई, 17 करोड़ का इन्हें पुल बनाया, वो घोटाला कहाँ गया भाई? वो तो एकदम ही एक झटके में गिर गया, वो तोड़ गया। ये राजा बनने के लिए बैठे हैं, ये जो खुद ही क्या नाम है अपने आप में सही नहीं है, वो राजा बन के बैठा है। ये तो विपक्ष बिल्कुल बेकार तैयारी कर रहा है, ये तो बिल्कुल जीत ही नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री पद का भी सपना देख रहा है हर नेता उनमें से कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सपने तो हर कोई है, सपने देखने के लिए तो आज़ादी सबको है, सब लोग देखें, लेकिन ये नींद की सपने नींद तक ही रहते हैं। खुली आंखों से सपने देखेंगे तो सपने देख ही नहीं पाएंगे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मोदी जी के पास कोई प्लान नहीं है, मेरे पास प्लान है कैसे देश को नंबर वन बनाया जाए। इनके पास है तो प्लान ही दे रही है, दिल्ली को लंदन बनाने चले थे भाई, दिल्ली को ये लंदन बनाने चले थे भाई। इनका प्लान सुनो है, ये लंदन ऐसा है कि यहाँ पर भाई आज 50,000 मेरी जेब में है, तो थोड़ी देर बाद मैं जाता हूँ यहाँ से आगे, वहाँ 10 लोग पकड़ के मैं लूट लेंगे, मेरे पास हो गया भाई बराबर भर है भाई। हमें ऐसा लंदन नहीं चाहिए, हमें ऐसा यूपी चाहिए जहाँ 1,000 रुपये हमारी जेब में है तो सुख से हम वहाँ बैठ के खा सके, हमारी कोई जेब ना मार सके। यहाँ 4 जने खड़े हैं, किसी को फोन छूट जाए, किसी को कुछ हो जाए, ये दिल्ली को लंदन बनाया उनने, अपना शीश महल बना के बैठा है, घोटाला तो खुद करके बैठा है। कितनी सैलरी है? 2,75,000 के आसपास सैलरी है। ये 5 साल में उनने 45 करोड़ क्या नाम है अपना शीश महल बनवा लिया। ये मोदी से ज़्यादा अपने प्लान बता रहे हैं, ये मोदी को अपने प्लान बताएंगे। ये पढ़े लिखे जितने ज़्यादा है ना, इतने क्या नाम है हमारे दादा परदादा वाला हिसाब है, जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ज्ञान उनके सबसे ज़्यादा है। अनपढ़ प्रधानमंत्री है, चौथी पास है। हाँ तो ये कौन सी ज़्यादा, ये अगर पास हैं तो इनने कौन से प्लान अच्छे दिखा दिए? इनके प्लान तो हमें देखा भाई, दिल्ली को तो लंदन बनाए थे, ऐसे लंदन तो भाई हमें चाहिए नहीं। बंधन वाले कुएं के मेंढक लग रहे हैं। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्या कारण है? इतने दिग्गज नेताओं को आप कुएं का मेंढक कहते हैं? दोनों मिलके कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ? अकेला योगी ले गए यूपी में, बताओ। यूपी ने बदमाशी बिल्कुल खत्म है। अच्छा, बताओ है क्या कुछ बदमाशी? कि हमें एक साथ आने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि तानाशाही कर दी है सरकार। किसने कर दी? कुछ नहीं करा यार, क्या करा बताओ? ईडी CBI लगा देते हैं पीछे। कुछ नहीं भाई, जो गलत काम करेगा उसके पीछे लगेगी उसके पीछे, तो जो गलत काम करेगा बताओ, वो तो कोई भी हो। अब राहुल गांधी आ जाएगा, वो BJP वालों के पीछे लगा देगा। अब ये अरे कमल वाले, इन्होंने उसके पीछे लगाया, वो तो करना ही है काम। एक प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो ये बात कहते हैं कि सिलेंडर 500 और 600 का कर देंगे। कितनी लंबी लगे थी, पूरा दिन की दहाड़ी आदमी खत्म करके लाइन में लगे था, बताओ।
आज कौन लाइन में लग रहा, घर में सिलेंडर जा रहा, बताओ होम डिलीवरी है, बताओ कि किसे लाइन में लगना पड़ रहा, आज लगना पड़ रहा किसी को लाइन में, तो कहीं ना कहीं महंगा हुआ क्या भाई, ऐसे ही लोगों के खर्चे बढ़ रहे, ऐसी आमदनी बढ़ रही, बताओ पहले मजदूरी 300 थी, आज 600 रुपए 500 रुपए मजदूरी है, बताओ क्या क्या भी बड़ी है, आमदनी बड़ी है, हर चीज बड़ी है भाई, सबसे बड़ी बात है फैसिलिटी नहीं कितनी मिल रही है, बताओ आप फैसिलिटी की बात है, आदमी आज के टाइम में पैसा नहीं देख रहा, फैसिलिटी देख रहा घर में, बताओ फैसिलिटी मिल रही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, लग रहे हैं कि मतलब मोदी जी का जो नाम हो रहा है देश का नाम हो रहा है, मेन चीज है देश का नाम, अमेरिका में रुक के दरवा दिया यार, और क्या चाहिए बताओ, बताओ उसी अमेरिका की देख सकता इंडिया पे अब, बताओ अमेरिका की धरती पर, उसी अमेरिका की धरती पर जब राहुल गांधी जाते हैं वो ये बात बोलने लग जाते हैं कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमान पर अत्याचार बता दो, कौन सा मार दिया, किसा कितना काट दिया नु बता दो, हुआ कुछ, हुआ क्या कुछ बता दो, ईद इनकी बढ़िया तरीके से नहीं मन रही बताओ, हमारी दिवाली बढ़िया नहीं मन रही, होली बढ़िया मने, बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आम आदमी पार्टी की भी एक नेता है आतिशी मार लेना वो भी, क्या नाम केजरीवाल था, आम आदमी में घूमूंगा, बसों में घूमूंगा भाई, महंगी महंगी गाड़ी है, कोठी देखो कितनी बढ़िया बनाई, पर्दे पता नहीं कितने लाख करोड़ के बताए लग रहे, बताओ बताओ अब कहां मेरे पास, मैं मेरे पास प्लान झोपड़ी में, अब रह लो झोपड़ी में, कोई नहीं है, बताओ कह रहे मेरे पास प्लान है देश को नंबर वन कैसे बनाया जाए, देश को कर्जे में डुबोना और कुछ नहीं करना, दिल्ली कर्जे में ही होगी अभी तक, और कुछ नहीं होने का, पानी दिल्ली में भरा रहे और कुछ नहीं होता, तैरते रहो आदमी, स्विमिंग पूल बन रहा, दिल्ली में एक रैली करी थी उन्होंने, कह रहे थे कि मैं ये फैसिलिटी पूरे देश को देना चाहता हूँ जो मैं दिल्ली में दे रहा हूँ, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं, रैली की सच्चाई आप ही की, जैसे कोई पत्रकार वहाँ पहुंचे रैली जहाँ उन्होंने करी थी वहाँ भाई, हमने लोगों से पूछा तो उन लोगों ने क्या कहा भाई, हम तो मोदी की जय जयकार करने आए थे भाई, हम तो यहाँ पर, एक ने कहा कि मैं हरियाणा से आई थी, मेरे को बुलाया गया था कि मेरे टॉयलेट बननी तो उसे पैसे मिलेंगे, कोई कह रहे कि भाई मैंने तो मोदी के लिए यहाँ बुलाया था बस इसके लिए, उनको भाई 500 रुपए में लोगों को बुलाया, फिर भी ये तक नहीं बताया कि तुम्हें मेरी जय जयकार करनी है भाई, ये तो सिखा पढ़ा लेते कि भाई तुम्हें मेरी रैली में मेरे लिए बोलना है, तुम दूसरी पार्टी के लिए बोल रहे हो, ये तो इनकी रैली थी, रैली में सब तो भरे हुए थे इनके, क्या नाम है कि दिहाड़ी पे लोगों को लगा रखा था, ये इनकी रैली थी, रैली की सच्चाई तो ये है, ये कोई रैली वैली नहीं थी, इनकी तरफ से भ्रम था ये, और वो कह रहे कि फैसिलिटी में पूरे देश को देना चाहता हूँ दिल्ली की, दे तो रहे हैं दिल्ली की फैसिलिटी भाई, दिल्ली खर्चे में बात भाई कितने लोगों को, अभी यहाँ पर अगर किसी और कोई और सरकार आएगी भाई, कोई भी समझदार आदमी हो, कोई भी समझदार फैमिली का एक लीडर होता है अपना पहले बैकअप चला के चलता है, ये बैकअप ही अपना खाली करता जा रहा है, अगर कोई सरकार और आएगी कोई भी आए तो इसको अगर भरने की कोशिश करेगी तो यहाँ महंगाई कर देगी, लोग कहेंगे इस सरकार ने महंगाई कर दी, केजरीवाल है ऐसा होगा ही नहीं, केजरीवाल आएगा नहीं भाई, उसने तो बिल्कुल दिल्ली कंगाल कर दी है, अपना घर बस उन्हें अपना करा है अपना भरा है, और उसने अपना ही काम करा है 45 करोड़ लागत से अपना अपना घर बनाया बस। महागठबंधन बना मोदी, क्या लग रहा है कौन बाजी मार पाएगा, मोदी जी हैं, हाँ। मोदी जी ही बाजी मारेंगे, इनके अलावा कोई नहीं, अब तो इतने सारे दल एक साथ आ गए हैं और कह रहे हैं सत्ता से हटाकर फेंक देंगे, मैं बता तो रहा हूँ सब कीचड़ कर रहे हैं, कमल ही गिलना है, कीचड़ में कमल ही गिलता है और कुछ नहीं, वो कह रहे सत्ता से हटा के फेंक देंगे इस बार, कह रहे सब भ्रम है, सब भ्रम है, उनके दिमाग में एक फाली वो बनना है, हिसाब किताब उसमें कुछ नहीं होना, आने मोदी जी हैं, इतने सारे दिग्गज नेता, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है जिसमें कोई भी नहीं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, वो वही बात बनर्जी बता रहा हूं मैं, वो सिर्फ कुएं के मेंढक है, ठीक है ना, और मेंढक कुएं में ही रह सकता है, समुद्र में नहीं। कहा सर क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हकीम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा इस बार? देखो अब तो मोदी जी देखो क्या कहते हैं, उसको क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गठबंधन बन रहा है, कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को, ऐसा हो कुछ हो पाएगा? वो तो अब वक्त आने से ही पता चलेगा भाई, ऐसे तो कुछ नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, जब चुनाव आएगा जब फिर देखेंगे तो मोदी जी आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा आ रहे हैं। कोई विकल्प है प्रधानमंत्री का, कोई आपको लगता हो कि विपक्ष में कोई एक ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके? वो तो टक्कर देने वाला राहुल ही है, बाकी दूसरा तो कोई है नहीं, कांग्रेस के है और उसके है, दो ही है, अब जैसे केजरीवाल है ये तो दिल्ली का ही है, वो तो पूरा हिंदुस्तान के नहीं हो सकते हैं ना जी। केजरीवाल भी सपने देख रहे प्रधानमंत्री बनने, कहते मेरे पास प्लान है, मैं देश को नंबर वन बना दूंगा, मोदी जी के पास कोई प्लान नहीं है। एक जगह से थोड़ी हो जाएगा ये, अब धीरे धीरे आएगा तो फिर देखा जाएगा, अभी तो राहुल और मोदी जी का ही है, बाकी दूसरा और कोई नहीं है। अच्छा राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर, देश की सबसे पुरानी पार्टी को महागठबंधन की क्या जरूरत पड़ रही है? वो तो राहुल जी को खुद ही आने चाहिए, वो तो राहुल जी को उसको गठबंधन करने की क्या जरूरत है, उनको सबसे पुराना वही है और उन्हीं के खानदान में से आ रहे हैं सब, तो उनको अकेला खुद होना चाहिए जी। पिछले 9 साल में काम हुए हैं सर, कुछ डेवलपमेंट हुई है देखने को मिली है आपको? हाँ जगह जगह पे तो हुई है, वैसे हर जगह से नहीं है, जहाँ जहाँ उनके है उनके मोदी जी के तो वहाँ वहाँ काम दिखाया उन्होंने। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा?
भाई मोदी आना चाहिए। महागठबंधन एक बन रहा है, कह रहे हैं कि सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। केजरीवाल नहीं बनने देगा, केजरीवाल नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी के पास कोई प्लान नहीं है, मेरे पास प्लान है, देश को नंबर वन कैसे बनाया जाए। केजरीवाल खुद मोदी का भगत है। अच्छा, मोदी का भगत है, बी टीम है ये। अच्छा, बी टीम है।